पार्टी ने 22-22 देश के बड़े वकीलों को नियुक्त कर रखा हो ये सिद्ध करने के लिए कि राम काल्पनिक थे, उसके साथ हम कैसे खड़े हो सकते। तो भैया, राष्ट्र के और समाज के हित में हमारे अस्तित्व और आदर्श की रक्षा हो, हमारे जीवन के मानबिंदु सुरक्षित रहें, हमारे तीर्थ सुरक्षित रहें। ब्राह्मणों का बहुल गांव है, कल को आएंगे और जनोई दिखाएंगे के बाबू जी मुई आप रोई जू ध्यान राग जो एक बार और लाज राग दो। लेकिन जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, मत मजहब के आधार पर नहीं, विचारों की श्रेष्ठता जिसकी है, जिनकी सिद्धांतों में निष्ठा है, उनके साथ खड़ा होना है। न कि कोई कहे कि महाराज कहीं एक पिछली बार एक बात चली थी कि ब्राह्मण देवता है, तो ब्राह्मण देवता भेड़ा बेन जिताई तो दी दो पे साथी माध्यम मूंग आप दलियो और वनो सबसे पहला शिकार मूंग, सबसे पहला शिकार मैं हुआ। नाग द्वारा के आश्रम पर जेसीबी चतुर्मास चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहे थे और उस चलते हुए अनुष्ठान में इस नालायक ने जेसीबी भेजी आश्रम तोड़ने के लिए। सबसे पहला जेसीबी भेजी और के सब नाजायज है, नाजायज तेरे बाप का नाजायज है, पूरा श्रीनाथ कॉलोनी 150 फीट रोड बनास का सारा किनारा तुम्हारे बाप खा गए, वो तो नाजायज नहीं, और एक आश्रम जहां पूरे सनातन धर्म की श्रद्धा जुड़ी है उसको नाजायज दिखा और सब जायज दिखे। तो भैया, जाति संप्रदाय अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, विचारधारा ही प्रमुख होनी चाहिए। और जो राष्ट्र के हित में, सनातन धर्म के हित में, हिंदुत्व के हित में खड़ा हो उसके साथ खड़े हो जाना, और जो सनातन धर्म के विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं उनको ठेंगा दिखा देना कि जाओ भैया, राम राम पधारे, स्वागत है, लेकिन एक बार हो गया, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो